हूँ अब इस साल की 24 तारीख है दिलहज आखिरी जुमा अगला जुमा मुहर्रम अल हराम से आना यह तारीख इस लिहाज ना भी बिल्कुल यादगार तारीख है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बहुत अहम वाकया जिदा कुरान ने ऐलान किया पेश है। यह 24 दिलहज छोटी गल नहीं मुबाहला का दिन है बहुत बड़ा मुसलमानों लिए समझो ना ताजीम दे लायक कि नसारा आए नजरान आए ईसाइयों का वफद आया उन्होंने सरदार आए काफ़ी देर बातें चीजा नबी अलैहिस्सलाम ने हुई मुनाजरे होए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे उन्हें आख्या नहीं वह खुदा तो खुदा का बेटा जिदा बाप कोई नहीं दिंदा आसमान से चढ़ गया मुर्दे जिंदे किसी होर खुदा की होना हजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत उन्होंने दलीलां दित्तियां बहसां कीतियां मगर गल कोई नहीं बनी अखीर अल्लाह तआला ने कुरान तो उतारिया मुबाहला फमन हाज्जा कफी है मिन बाद मा जाक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदवा बनाना व बनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लाहु तआलाल काज़िबीन। ए 11वीं आयत है सूरह आल इमरान दी कि जे ईसा अलैहि सलाम दे बारे इन्निया दलीलां आने तो बाद भी अल्लाह दे रसूल तेरे नाल झगड़ा करी जांदे ना ते हुण फैसला कौन गल है ये भी लोग अपनी कौम बड़े मुकदस और पारसा गिने जाते बड़ी समझदे ईसाई हैं आम नहीं ये लोग ते सरदार बन के आए नजरान तो तू अल्लाह का पैगंबर होने का दावेदार है हुण इन्हां नूं कह आओ फिर आप अपने बेटे बुला लीए अपनी औरतां बुला लीए ते आप भी मैदान च आ जाइए फिर अल्लाह ताला अगे आजी नाल गिड़गिड़ा के दुआ करिए ते जिहड़ा झूठा गिरोह ते अल्लाह की लानत हो अल्लाह का अज़ाब आ जाए उन्हें तबाह कर दे अल्लाह हुण रूहानी मुकाबला ही रह गया मसलों की गल नहीं मुबाहला बहल चुन के बेहेलाम अरबी च जिहड़ा है ये लानत का माना दिंदा अल्लाह ताला किसी दे लानत के बाहला होला अल्लाह ने उस पर लानत कर दी अपनी रहमत से उसको दूर कर दी तो मुबाहला चुन के दोवें पार्टियां फिर अल्लाह की अदालत पेश हो जाए हुण जदों यह गलबात आई तो इमाम मुहम्मद इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जना पहली सीरत हुज़ूर दी लिखी फरमाउंदे अन्नम लम्मा दाहुम इलल मुबाहला कालू हत्ता नरजा वनन अल्लाह दे रसूल जदों दावत दित्ती उन्हें आख्या या रसूल सानू मोहलत दिओ असीं इत्थे गौर फिक्र कर ली फलम्मा तखालो कालू लिल आकिब काना ज़ा राइम या अब्दुल मसीह मात जदों इकल्ले होए अलहदा होए अपने सरदार नूं जिहड़ा उन्हां दा वड्डा लाड पादरी सी और आलिम सी उन्होंने आख्या अब्दुल मसीह तू हुण दस तेरी की राय मसले ते गए मुक हुण ते गल खुदा ते चली जानी असीं भी अल्लाह नूं मनने ये भी मनदे अल्लाह ते नहीं ना गुंगा बोला उन्हें तो फैसला हुण कर देना हुण जो करना चाहिए दस फकाल वल्लाह अलकदर अफ्तुम या माशर नसारा अन्ना मुहम्मद नबी मुरसल उन्हें आख्या ईसाइयां की जमात तुहानूं पक्का पता ते पहचान दे जे तुसीं कि मुहम्मद अल्लाह का भेजा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मैनू शक है ना तुहानू से पक ते सानू हैगा पैगंबर है खुदा दा ते उही अज दी खबरां मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम दे वक़द जाकुम बिल फसल मिन अमरे साहिबकुम ते जिहड़े हजरत ईसा अलैहि सलाम दे बारे तुसीं गल करदे ने खुदा दा बेटा उस बारे च इन्हें दो टोक गल्लां कहियां ना ते उन्हां गल्लां दा ही सानू जवाब कोई आउंदा एवें असीं अड़ी करी गए अकल नाल भी गल्लां ठीक है बिन बाप पैदा होना खुदा आउण दी कोई निशानी आदम अलैहि सलाम दा ना बाप ना मां कुरान ने आख्या उन्हूं डबल रब मनो फिर ईसा अलैहि सलाम दी कम से कम मां ही हैगी उहदा कुछ भी नहीं यह कोई गल्लां नहीं जे मुर्दे जिंदे कीते उह भी तुसीं खुद अपनी बाइबल मनदे जे इलियास अलैहि सलाम मुर्दे जिंदे कीते इलियास ने कीते ये मौजज़े जिहड़े अल्लाह अपने नबियां नूं दिंदा अपनी कुदरत ना यह खुदा होण दी कोई निशानी तो उस आख्या ईसा अलैहि सलाम दे बारे जो कुछ बंदे ने कहा हैगियां भी फैसला कौन गल्लां ते हुण जानने भी पैगंबर आ वल्लाह मा बाहला कौम नबीन कत्तो फाशा कबीरम वला नबत सगीरम ते अल्लाह की कसम जिस कौम ने भी कदी पैगंबर के मुकाबले च आके अल्लाह के सामने दुआ की ना मुबाहला और बददुआ ना उन्हों का व्डा कुछ जिंदा रहा ते ना का छोटी नसल का ही कोई बाची बचा दुनिया हो जाती है तबाह अगे भी उमत भुगत गई वला इन फल तुम लताहले कुन ते जे काम किया ना मसलों की गल होर सी तुसीं नहीं बचना फिर हलाक हो जाओगे बर्बाद हो जाओगे फैना बैत मिल्ला इल्फा दीन कुमारी कामत अला मानत मिला ए सूरा आले इमरान की 11वीं आज तफसीरां पढ़ी है छोटा जा वाकया नहीं बहुत बड़ा मौजा है चंद फटना वड्डा इन्ने 60 तो ज्यादा आलम सी जिन्हां दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई उन्हें आख्या जे तुसी नहीं हटदे अपने ही दीन नूं पसंद करना और उसे ते जमे रहना फवाद रजुल इस बंदे नाल सुलह करो
वन सरफेला बला जान छुड़ा के अपने इलाके नू वापस मुड़ो, मुबाला मुबला कोई ना करे और रहना कख नहीं, बिल्कुल बर्बादी हो जानी। फाता रसूल सरसम वक़द गदा मोहतदन अल हुसैन आखिज़म बेज़ल हसन व फातिमा तमजी खलफा वरी खलफा। अल्लाह दे रसूल है दसन लई तुसी ते यमनो सदने ना, मेरी तरफों तुहानू शक ना रहे भी मैं इवें कहता ते मैं इहदे तैयार नहीं। रसूल निकले उस वे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह आप ने गोद चुकिया, हसन का हथ फड़िया, फातिमा पिछे टुरी आउंदी सी, अली उहदे पिछे टुरिया आउंदा। वहाई कुल इज़ा ना दौत फमेनू, अल्लाह दे रसूल सलाम आख्या जो मैं दुआ की तुसी चौहान ने आमीन कहना। फकाल उस कुफन अजरान या माशरा नसारा इन्नी लारा वजूहन लौ शाला युजीला जबलम मकानी लादा लग गया। ईसाई आलम ने अपने साथियों ने आख्या खुदा दे बंदियो मैनू ऐसे चेहरे नजर आ रहा है, एक आप पैगंबर से चार है वे जे इन्होंने अल्लाह तला के दुआ करती ना कि पहाड़ नू अपनी जगह तो हटा दे पहाड़ हट जा, एक काम होना खराब है। ये जिन्होंने लैके आया ये भी कोई उच्चे है ते खुद पैगंबर भी उच्चा, ये मुकाबले दे काम जड़ा ना बिल्कुल बर्बादी हो जानी। फला तो बाहरू खुदा दा ना मनो जे मैनू आलम मन दे तो मुबाहला ना करो, फतह लेकू हलाक हो जाओगे। वला यबकला वजल नसरानी जरा यौमिल क़यामा ते क़याम दे दिन जमीन ते कोई ईसाई नहीं रहना, बिल्कुल अल्लाह ने इस उम्मत का निशान मिटा देना। आ गए फिर फकालु या बल कासम, कह गया कासम दे अब्बा नबी अलैहिस्सलाम दा वड्डा बेटा सारे तो कासम ही सी, इस तो आप अबुल कासम किया जाता। राय अल्लाह नु बाहर रखा, असा यह फैसला किया साड़ी यह राय बनी है कि असी बद्दुआ तेरे मुकाबले च नहीं कर, मुबाहला तो असी हार गए कोई नहीं करना। वन नुकेरा कला दीन का ते तू अपने दीन ते रह, असी ये बारे कोई बात नहीं करते। वनस्बतला दीने ना ते असी अपने दीन ते कायम रहने, तू सानू ना मजबूर कर। काला फायदा बैतुम और मुबाहला फसलम, आपने आख्या अगर मुबाहला नहीं करते सलाम लायो है यकुल्लकुम मालिल मुसलमीन वालेकुम मालैन, तुहानू ओ चीजा जड़ियाँ सवाब मिलेंगे जड़े मुसलमान और ओ तुहाडे फराइज होणगे जड़े मुसलमानों के बराबर हो जाओगे। बाबा उन्हें आख्या नहीं ये साड़ी कौम नहीं मनना। काला फैनी उनाज मैं जंग करूंगा तुहाडा, फकारू ला माल ना बहरब अरब ताका, उन्हें आख्या अरबा ना जंग लड़न जोगे भी असी नहीं, इन्नी साढ़े छिमत नहीं तुहाडे लश्कर का मुकाबला करिए। वला के नुसाले होका अला अल्लाह तखजवा ना वरा तुखीफा ना वरा तरुद्दा ना दीन ना, असी सुलह करने इस गल से वे साढ़े से चढ़ाई ना करो, सानू डरायो ना, सानू साढ़े दीन तो फेरियो ना, ये बदले चला नया कुला अलफा, असी हर साल तुहानू 2000 जोड़ा जरा जिसे दो कपड़े होंगे सूट ही पूरा कीमती ये अदा करांगे, अलफी सफर 1000 सफर दे महीने दया करांगे, अलफी रजब और 1000 जड़ाओ रजब दे महीने। वसलासीन दरनार यतमिन हदीद, ते लोहे दी 30 जरा जड़ियां ये मैं तुहानू अपनी फौज की इमदाद वास्ते उस तरह देंगे, वह अमानत होगी। हजूर ने आख्या जी वापस लुटावे दबाऊ नहीं। फसारा मला जारे, आपने इस गलते उन्होंने सुलह कर ली, चलो जबरदस्ती किसी कलमा नहीं पढ़ा अगर तुम जंग नहीं करना चाहते ठीक है। वकार अवल्लज़ी नफ्सी बियदे इन्नल हलाक कद तदल्ला अलैहि नजरान, तो फरमाया ओ अल्लाह की कसम है जिसके हाथ मेरी जान है तबाही नजरान ते चुक गई, इन्हों की रियासत की तबाही लैन बदल छा गए सी। वलो लानू ला मुसखू किरा तम वखला दे, अगर ये खुदा की कसम मेरे मुकाबले लानत की दुआ कर दे ते बंदर और सूर बनाते जाने, इन्होंने अल्लाह तआला ने अजाब ऐसा नाजल करना। लमोसे खू किरा तम वाला आखना दीर वाला तरह मारे मलवादी नार, इन्हों की रियासत जी अग ना पड़क उठनी, सारे दरख्त तक सड़ जाने सी। वाला वस्ता सल अल्लाह नजरान वाहलो हत्ता तैर अला रूस शजर, ते नजरान ते उत्थे दे रहण वाले हत्ता दे दरख्तां दे परिंदे भी जड़े सी अल्लाह तआला ने जड़ों तबाह करके रख देने। वला मा हाल लाहौर नसारा कुल महत्ता, एक साल भी नहीं सी गुजरना कि सारे हलाक हो जाने। वान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल सरसम खराजा वाले मृत मरहल मिन शार अस्वद, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी फरमाउंदी है सही मुस्लिम की रिवायत के रसूल अल्लाह निकले उस वे काली कमली आपते काली कमली जी हर वक्त नहीं हजूर लई फिरदे, ये भी एवं गल बनी काली कमले नहीं उस वे शार अस्वद मेरी आप दे उत्ते चादर सी मुरहल उत्ते ऊंटा के कजावे भी तस्वीर बनी सी और नाल काले रंग की। फजाल हसन फद खलो, हसन आए उन्होंने भी दाखिल कर लिया, सुम्मा जाल हुसैन फद खलो, सुम्मा फातिमा सुम्मा अली सुम्मा काला इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहल बैत।
ਐਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੀਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਚੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਪੰਜ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਚ ਆਇਆ ਫੈਨ ਕੁਲਤ ਐ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਮਸ਼ਕਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲ ਬੱਚੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਫੈਨ ਕੁਲਤਾ ਮਾ ਕਾਨਾ ਦੁਆਇਲ ਅਲ ਮੁਬਾਹਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਜਿੱਤਾ ਬਈ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਖਸਮੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਚੋਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ਾਲ ਕਮਰੋਂ ਯਖਤਸ ਬਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਬ ਔਰ ਇਹ ਤਲਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਮਤੀ ਮੰਨਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਮਾ ਮਾਨਾ ਜ਼ਬ ਮੈਂ ਅਬਨਾਏ ਵਨ ਨਿਸਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਕੁਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾ ਕਾ ਕਦ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾ ਤਲਾ ਸਿਕਤ ਬਿਹਾਲੇ ਵਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਖਸ਼ਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਦਖਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਆਲਾ ਤਾਰੀਜ ਅਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾ ਫਰਾਜ ਕਬੇ ਦੇ ਵਾ ਹੱਬੇ ਨਾਸਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲਈ ਐਡੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵਲਮ ਯਕਸਰ ਅਲਾ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਫਸੇ ਹੀ ਲਹੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਆਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਫਲਾਹ ਦੇ ਕਬੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਕਰ ਦੇ ਬਿਕਦੇ ਬਿਖਸਮੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੱਤਾ ਯਾ ਹਲਕ ਖਸਮ ਮਾਹਿਬਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹਲਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰਨ ਤਮਤਰ ਬਾੜ ਕਿ ਜੇ ਬਈ ਇਹ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੁਖਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਖਮੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਵਖਸਰ ਅਬਨਾ ਵਨਸਾ ਲਿਅਨਹਮ ਅਜ਼ਲਹਲੇ ਵਾਰਸਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲੂ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਮਖਸ਼ਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤਫਸੀਰ ਹੋਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਗਰ ਮਖਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਐਸਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿ ਜ਼ਮਖਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਾਰੁੱਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮਖਸ਼ਰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਨਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿਆਓ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ੁਲਾਹਲ ਅਰਸਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰੁਬਾ ਮਾ ਫਦਾ ਮਰਜ਼ੁਲ ਬਿਨਫਸੇ ਵਹਾਰ ਅਬਦੁਨ ਹੱਤਾ ਯੁਖਦਰ ਆਂਦਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਕਿ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨ ਸੰਮਤ ਕਾਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਕੂਨ ਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਆਇਨ ਫਿਰ ਰੂਬ ਲੈ ਤਮਰਾ ਮਿਲ ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਮਝੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੋਂ ਨੱਠੂਗਾ ਵਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰਤ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਮੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਨਾ ਬੈਰਵਾਹਿਮ ਹਮਾਤ ਅਲ ਹਕਾਇਕ ਔਰ ਅਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਮਾਤ ਅਲ ਹਕਾਇਕ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲ ਅਨਫੁਸੇ ਅਲੇ ਯੁਨੱਬੇ ਰਾਲ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬੇ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਿਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲ ਅਨਫੁਸ ਦੇ ਯੁਨੱਬੇ ਰਾਲ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬੇ ਮੰਦਰ
आंदा बेटियां नूं और औरतां नूं अपनी जान तों ही पहला रब ने जिक्र किया कि बंदे नूं इन्हां नाल बहुत ज्यादा प्यार हुंदा ते खरीदने बाकी बंदा चाहुंदा मेरी नसल ते दुनिया ते चलदी रहे। वले योजना बैना मुकदमून अलानफुस मफदूना ब्या, और ये भी दसण लई कि आदमी अपनी जान कुर्बान कर सकदा ते फिदा कर सकदा मगर बच्चे और औरतां नूं बचाउणा चाहुंदा। ऐ आखिरी बात है जो फिर फरमाई तो फी है दलील उल्लाह शाह अकवा मेन वाला फजल साहब किसाया मुसलान आंदा इस तो वड्डी दलील किसे बंदे दी अखां खोलनी नहीं अपनी के कमली आलियां तो वड्डा कोई हुंदा ते रसूल उन्होंने लैके जांदा ते कुरान उन्होंने जिक्र करदा। हुण सड़ जाणगे कई और कईयां नूं अगां लगणी मैं कीता की जा कि पैगंबरे खुदा इस मुकाबले किन्हां नूं नाल लैके गया अली ते फातिमा हसन हुसैन वफी है दलील ला शाह अकवा मेन आंदा ये दलील और ये तो बड़ी कवि कोई शायद नहीं दुनिया च मैंने अला फजल है साहब किसान मुसलमान कि कमली कौन लोग से जिन्होंने पैगंबरे खुदा ने आख्या तो उन्होंने आख्या चेहर ने दुआ की पहाड़ हिल जाने वफी है बुरहान वाजन अला सियाद नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल इहदे विच दलील वाजे भी आ गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी होने कोई शक हुंदा ते एडी वड्डी जुरत ना कर दे ते काफिर भी समझदे झूठा ही कर लो दुआ ते भज के ना जांदे लियान नहू लम यरद अहद मुआफिक वला मुखालिफन ना वजाब इला ज़ालिक क्योंकि आंदा ना किसे मुसलमान ने ना किसे ईसाई ने किसे भी नहीं लिखिया कि हाँ वह तैयार हो गया जी मतलब सब मानते भी भाई इस मुकाबले तो दौड़ गए थे। आंदा इस तो बड़ी कोई दलील नबी अलैहि सलाम दे सच्चे होने की भी नहीं ते इन्हां दी शान दी भी इस तो बड़ी कोई कवि दलील इस बारों पैगंबरे खुदा बार बार किया कि हसन हुसैन अली और फातिमा जड़े ना ये जन्नत अल्लाह ने जरा मैनू मुकाम देना वो दे जी होने ये सारियां हदीसां पढ़िया एदा भी बयान हो गया।